गुड आफ्टरनून टू ऑल। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? So today, last time we had seen for a 2-bit or synchronous counter on Felstead. That was like we have implemented 2-bit or synchronous counter by using gates. Now we are going to implement the same using integrated circuit. So this is the circuit diagram. This is the circuit diagram. It consists of two JK flip-flop, and both the JK flip-flop input are short-circuited. So this is acting like a T flip-flop. So we know that when both are at high, means whatever the output once we get, suppose here right now we are getting like this. So this side is always getting changed, like 1 0 1 0 like this. Why? Because it's always high. Input is always high, so 0 1 0 1 like this. This is going to toggle. Still, this is in high, so it has to toggle again and again. But the thing is, here for this flip flop, it depends. The clock is depending on the output of first flip flop. So this is positive triggered. This is also positive triggered. Both are positive triggered. Both are positive triggered. So when I have given the clock over here, this input is 1. So initially assume that these are 0 0. Output Q, first flip flop will have the output Q naught, you can say its output is 0 initially, and this output is also 0. Now what will happen is, as soon as next clock will come, this is already 1, so this will get toggle. This will get toggle means what? Initially it was 0 and now it is 1. So this is going to be like a clock to this. Ye clock ki tarah ja raha hai isko. To 0 tha, abhi 1 ho gaya ye. To ye positive clock ja raha hai isko. Ye positive triggered hi hai. To ye toggle hoga. Ek second hai, ye 0 tha, ye 1 ho gaya. Let me see for एक सेकंड ना मेरे को इसका ये देखने दो. सर्किट डायग्राम वेरीफाई करने दो. Thank you.
दिस इज बराबर है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इनिशियली 0 0 है, बाद में ये क्लॉक आया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हुआ, तो ये 0 1 जा रहा है, इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो 1 हो गया, फिर ये वापस से क्लॉक आया, तो ये 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टॉगल है, बट यहाँ पे जो जाएगा ये पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया, सो 1 से 0 की तरफ क्लॉक जा रहा है, 1 से 0 की तरफ क्लॉक जा रहा है, मतलब ये 0 हो गया, सॉरी ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम ही रहेगा। अभी फिर से क्लॉक आया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया मतलब ये 1 हो गया, अभी ये चेंज होगा, ठीक है, फिर से क्लॉक आया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया मतलब ये ऐसा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये काउंट कैसे कर रहा है, ये ऐसे 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 ऐसा है, देखो ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, तो ये डाउन काउंटर है, ठीक है, ये अप काउंटर होना चाहिए यार, एक सेकेंड यार, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, टू बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, अप काउंटर, ये देखो मैं जो बोल रहा था वही है, ये नेगेटिव ट्रिगर पे वर्क करता है अप काउंटर, ये टी फ्लिप फ्लॉप देखो नेगेटिव ट्रिगर पे, यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर है, यहाँ पे डॉट डाल दिया मैंने, डॉट का मतलब नेगेटिव ट्रिगर है, अभी देखो इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, देखो अभी ये हमेशा 1 है और ये भी हमेशा 1 है, क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रही, क्या नहीं आ रहा है, युवराज, युवराज हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है क्या, नहीं सर, स्लोली आ रही बहुत। अभी तो 100% है ना, अभी क्या करूं बोलो, बाकियों को आ रही है क्या, सर हाँ ठीक है, आप युवराज लॉग आउट करके लॉग इन करो, तो क्या हो रहा है, जब पहला नेगेटिव पल्स आएगा,
ऐसा ऐसा नहीं, मैं ऐसा रखता हूँ, पहला नेगेटिव पल्स आएगा तो ये पहले इनिशियली 0 0 है, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव पल्स आया ये क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, तो ये 0 से 1 हुआ, जीरो से वन हुआ, जीरो से वन हुआ। सॉरी, जीरो से वन हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 में जीरो से वन हुआ फिर क्या हो जाएगा, जीरो से वन हो गया मतलब पॉजिटिव ट्रिगर जा रहा है, पॉजिटिव ट्रिगर पे ये चेंज नहीं होगा, टॉगल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 आना चाहिए, बट ये क्लॉक कंडीशन नहीं होती, ये सेम रहेगा। अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्लॉक नेगेटिव आएगी तो ये वापस से चेंज होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 1 से 0 हो गया क्लॉक, तो 1 से 0 में क्या होगा, ये क्लॉक जाएगा तो ये चेंज होगा। फिर क्या हो रहा है, फिर वापस से थर्ड आएगा, थर्ड आएगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया मतलब ये 1 हो गया, तो जीरो से वन, जीरो से वन गया तो अब ये पॉजिटिव ट्रिगर, तो ये चीज नहीं होगा, ठीक है। फिर वापस से एक और पल्स आएगी यहाँ पे नेगेटिव की, ये तो एक्सटर्नल है इसलिए हमारे हाथ में, इसलिए हम लोग दे सकते हैं। जैसे ही आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 था, फिर 1 था, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो यहाँ पे ये 0 हो गया क्लॉक, तो ये 1 तो 0 यहाँ पे जा रहा है नेगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन को देखो, 0 0 ये, तो ये ऐसा है, ये Q1 है और ये क्यू नॉट है, तो लिखते समय हम लोग ऐसा लिखते हैं। जीरो जीरो, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, ये 0 0, तो ये 0 0 क्या होता है, 0 0 1 क्या होता है, 1 1 0 क्या होता है, 2 1 1 क्या होता है, 3, और ये क्या होता है, 0। तो दिस इज कॉल्ड एज अप काउंटर। व्हाट इज अप काउंटर, तो 0 1 2 3 ऐसा काउंट करता है वो अप हो गया, 3 2 1 0 जो होता है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अभी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग आईसी के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो 7476 आईसी जो है ना वो हम लोग यूज कर रहे हैं, 7476, इट इज ए 16 पिन आईसी। कितने पिन होते हैं इसके अंदर, 16 पिन। अभी हर एक पिन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला पिन देखो, पहले जो इम्पोर्टेंट है, 5th पिन जो है वीसीसी हो जाता है, एंड 13th पिन जो है ग्राउंड है, इसमें थोड़ा चेंज है। फर्स्ट जो है वो क्लॉक है, सेकंड जो है प्रीसेट है, थर्ड जो है क्लियर है। तो इसके अंदर 2 JK फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो एक जेके क्लिक क्लॉक का क्लॉक, एक जेके फर्स्ट क्लिक क्लॉक जेके का प्रीसेट एंड इसका क्लियर।
प्रीसेट एंड क्लियर, तो ये हाई हमेशा हाई रहेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने हाई, तो इसको वन से कनेक्ट कर देंगे इस दोनों को, क्लॉक को नहीं इन दोनों को। बाद में वीसीसी तो मालूम है आपको, जे वन मतलब जे वन जो होगा और के वन, इसको शॉर्ट कर देंगे, इन दोनों को शॉर्ट कर देना है और उसको वन से कनेक्ट कर देना है, लॉजिक वन से मतलब हाई कर देना है, ठीक है, ये भी हाई है। फिफ्थ वीसीसी हो गया, ये अभी सेकेंड जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका, तो इसका सेकेंड का क्लॉक है, ये सेकेंड का प्रीसेट है और क्लियर है, तो ये जो सेकेंड का प्रीसेट और क्लियर है इसको भी हाई कर देंगे। उसके बाद जे टू एंड के टू, तो 12 2K एंड 2J, तो इसको भी शॉर्ट कर देने का इन दोनों को, और उसको वन से कनेक्ट करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाई जो है ना, नीचे अगर सर्किट दिखाऊँ मैं आपको, तो ये जे के जो है फर्स्ट का, उसको शॉर्ट करके हाई किया, नीचे सेकंड वाले को जे के को शॉर्ट करके हाई किया। ठीक है, ये सेकेंड का आउटपुट है जो कि हमारे केस में Q1 है, और ये फर्स्ट का आउटपुट है ये, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है। फिलहाल हमारे इस केस में ये किसी काम का नहीं है, तो इसको ओपन रखेंगे हम लोग, ये भी किसी काम का नहीं है, इसको ओपन रखेंगे। कहीं कहीं पे आप NC करके लिखा रहता है, नो कनेक्शन, ठीक है, फिलहाल तो इसमें ये इस केस में अप काउंटर में इसकी जरूरत नहीं है, डाउन काउंटर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको आज बेसिक बता देता हूँ एक इंप्लीमेंट करके, ताकि आपको आगे के प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इस वजह से हमें कनेक्शंस करनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों को डेल सिम के ऊपर बताया था प्रैक्टिकल मैंने। हेलो, हैड आई टोल्ड यू अबाउट डेल सिम इनिशियली लास्ट टाइम? नो सर। या नो सर, लास्ट टाइम से लास्ट टाइम बताया था मैंने, उसके ऊपर मल्टीप्लेक्सर का आईसी को यूज करके मैंने बताया था आपको। विशाल, you were there? Vishal Chaudhary? Yes sir. Dell SIM का बताया था मैंने, मैंने बताया था 127 रुपीज या 129 रुपीज का, उसका आप वो कर दो तो आप पूरे IC जितने भी IC है उसका आप यूज कर सकते हो family. Yes sir. निकिता थोराट? Yes sir. आप थे क्या उस प्रैक्टिकल में मल्टीप्लेक्सर का IC को यूज करके? Yes, sir. नहीं थे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने गूगल में जाके, मैं गूगल से बताता हूँ मैं आपको, चलो डायरेक्टली DELT डेल्ड सिम ये करके है, इसका लिंक गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है ऑलरेडी, प्रैक्टिकल करके देखो आप उसमें होगा, तो इस पे क्लिक करना पहले वाला को इस टाइप से आएगा, यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर पूछता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, अगर मैंने ऑलरेडी किया हुआ यहाँ पे पासवर्ड यूजर नेम सेव किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आता है नोटिफिकेशन, तो वहाँ सेव कर लेता हूँ मैं। आप लोगों को अगर सेव नहीं हो पाता है तो एक बार रजिस्टर कर लिया, बार बार आप आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते जाओ। मैंने किया, मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, लॉन्च ट्रेनर किट, ये आ गया। तो आपका जो एक्चुअल में जो हार्डवेयर किट होता है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है, या पूरा का पूरा ऐसे रहता है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी के स्लॉट्स है, नीचे इनपुट है, ऊपर आउटपुट है, VCC है, ग्राउंड है, ये जनरेट पल्स है। तो ये है एड आईसी 7476 है, एड आईसी, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा,
अभी फिफ्थ पिन जो था वो वीसीसी है, तो उसको मैं वीसीसी से कनेक्ट कर देता हूँ। बाद में 13 पिन जो है ग्राउंड है, 16, 15, 14, 13, 16, 15, 14, 13, 16, 15, 14, 13, तो ये ग्राउंड है। आपको काउंट कैसे करना है मालूम है ना, ये भले ही यहाँ पे 10 नंबर तक, यहाँ से 11 है, बट हमारा 16 पिन है, तो 8 पिन के बाद फिर यहाँ से चालू होता है, तो ये 13 पिन जो होगा हमारे लिए 9th पिन है, तो यहाँ से ऐसे काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8, बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया 16, तो ये 13 पिन पे हम लोगों ने ग्राउंड किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 13 पिन शुड बी ग्राउंड, 13 पिन शुड बी ग्राउंड, ठीक है। अभी फर्स्ट को क्लॉक देना है, तो ये फर्स्ट को क्लॉक दे दिया, ठीक है, लो, क्योंकि एक्टिव लो है वो, एक सेकेंड है। ओके फाइन, तो फर्स्ट जो क्लॉक हो गया, सेकेंड एंड थर्ड जो है प्रीसेट क्लियर हो गया, प्रीसेट क्लियर है, सेकेंड और इसको दोनों को 1 देना है। फोर्थ एंड 15th, फोर्थ J1 है एंड सॉरी फोर्थ JK1 कहाँ पे है, वेर इज K1, दिस 16th, सो फोर्थ एंड 16th को शॉर्ट करके 1 दे दो, क्योंकि T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। फोर्थ आने 16, आप अलग अलग भी कनेक्ट कर सकते हो उसको, बट द थिंग इज दोनों को 1 जाना चाहिए, तो मैं पहले से 1 करके रख देता हूँ, इसको ऊपर कर दिया मैंने, 1 दे दिया। लेटर ऑन सेवेंथ एंड एट्थ जो है उसको शॉर्ट करना है, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ जो है वो J2 K2 है, 9 10 11 12, बाद में ये तो 10th एंड 14th जो है वो डैश वाले, डैश वाले मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाले, उसको तो कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ना है। अभी बचा क्या, तो 11th एंड 15th, पहले 11th और 15th जो है वो आउटपुट पिन है, 11th एंड 15th आर आउटपुट पिन, सो दिस इज 8, दिस इज 9 10 11, सो दिस इज आउटपुट पिन 12 13 14 15, 15th इज ऑल्सो आउटपुट पिन। इलेवन एंड फिफ्टीन, 8 9 10 11, 15th, तो 11 जो है वो और ये जो है ठीक है, बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं। 14th पिन बचा हुआ है, अभी कहीं भी नहीं दिया, 6th पिन, दिस इज क्लॉक, तो आप अगर सर्किट देखते हो तो ये 15th पिन जो है वो सेकेंड के क्लॉक को गया, वो सेकेंड के क्लॉक को, तो 15th पिन जो है वो
Q1 है, मतलब Q1 मतलब Q0 समझ के चलो आप, और ये Q1 है। सो Q0 जो है, ये Q1 जो है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो इट इज गोइंग टू द सेकेंड क्लॉक। सेकेंड क्लॉक मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये, तो 15 जो है वो 6 को गया हुआ, 15 जो है वो जो है 6 को गया हुआ है। आप फिर से चेक कर लेंगे, फिफ्थ इज Q1 आउटपुट मतलब पहले वाले का आउटपुट, एंड सिक्स इज क्लॉक सेकंड का, तो सेकंड के क्लॉक को क्या गया हुआ है, Q1 आउटपुट ही गया हुआ है। तो अभी देखो कुछ रह रहा है, एक सेकंड, लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14th इज एम्प्टी एंड 18th इज एम्प्टी। लेट मी चेक, 14th इज एम्प्टी एंड 10th इज एम्प्टी। एक्सीलेंट। ओके फाइन, एक बार रन करके देखेंगे, कुछ शॉर्ट हुआ है क्या ये VCC है, ये ऊपर किया इसको। ओके ये 1 1 हो गया। अभी देखो 0 0, यहां पे ये आउटपुट चेक करो आप लोग, ये आउटपुट आई विल शो यू। ये आउटपुट जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो। अभी देखो 0 0 मतलब 0 होता है, 0 1 मतलब 1 होता है, 1 0 मतलब 2 होता है, बिकॉज बाइनरी 1 0 मीन्स डेसिमल का 2, एंड 1 1 मतलब 3 होता है। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस वजह से काउंट करके करता है। तो ये 2 बिट काउंटर है, 2 बिट काउंटर मतलब 2 रेस टू पावर 4, 2 रेस टू पावर 2, सो इट्स 2 बिट काउंटर मीन्स 2 रेज टू पावर 2। तो ये 2 जो है बिकॉज ऑफ 2 बिट काउंटर है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए, तो 4। तो कौन से स्टेज करेगा, 0 से लेके 3 तक काउंट करेगा, 0 से लेके 3 तक काउंट करेगा, मतलब 0 0 से लेके 1 1 तक काउंट करेगा। जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो 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 वन वन जीरो 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको और अच्छे समझाने के लिए, ये जो होता है ये MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी दिस इज, एक सेकेंड लेट मी चेक। नाइन टेन इलेवन, इलेवन को क्या कनेक्टेड है, Q1। अब यहाँ पे 11 क्या पे है, 11 Q1, ठीक है। तो दिस दिस साइड इज MSB, दिस साइड इज LSB, लोअर सिग्निफिकेंट बिट, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो काउंटिंग जो होगा वो 0 0 मतलब ये 1 हो गया, तो ये 0 ये 1, फिर ये ऐसा नहीं देखने का, वहां से देखने का आपने, उस साइड से देख लेगा, 0 1 होता है ये, मतलब ये ऐसा है 1 0, ये मतलब, एंड ये मतलब 1 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, बाद में फिर 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस 0 0, सो 1 0 1 2 3 0, सो दिस इज अप काउंटर।
मतलब जीरो से लेके थ्री तक काउंट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज टू बिट असिंक्रोनस काउंटर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस काउंटर, बिकॉज यहाँ पे जो क्लॉक दिया हुआ है हम लोगों ने, वो एक को क्लॉक दिया हुआ है और बाकी का जो दूसरे का जिसका जो आउटपुट है वो दूसरे क्लॉक गया हुआ है। फिर इसके आगे और कनेक्ट करते थे तो इसका आउटपुट उसको आता था वो। दिस इज असिंक्रोनस मतलब एक एक करके वो ट्रिगर हो रहे हैं। और सिंक्रोनस मतलब एक कॉमन क्लॉक सबको दे देते थे हम लोग, दैट वाज सिंक्रोनस। इट वाज तो इस वजह से ये हमारा टू बिट और सिंक्रोनस का प्रैक्टिकल रन होता है। इसको मैं सेव करता हूँ, टू बिट और ये हो गया। ये जो है ना इसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ, आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए देख भी सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी भेज देता हूँ, गूगल क्लासरूम में भी ट्राई कर रहा हूँ मैं डालने के लिए, 2 मिनट रुक जाओ। तो सर मोबाइल में नहीं हो रहा है। मोबाइल में नहीं, मोबाइल में क्योंकि मोबाइल में वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फैसिलिटी नहीं है, आपको ये लैपटॉप पे पीसी पे करना पड़ेगा। ये ऐप नहीं है, ये ऐप नहीं है ना, ऐप होता तो होता था वो। So in this way you can perform, बाद में आप उसको ओपन कर सकते हो कभी भी।